और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर दरियागंज में हंगामे को लेकर 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बीती रात की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर कार को आग के हवाले कर दिया गया था। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की थी। संजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, पता चल पाया कौन है ये लोग? 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ FIR तो की है, लेकिन कई लोग हैं जो अपने अपने रिश्तेदारों और अपने लोगों की तलाश में यहां पर आए हैं, वो उनसे मिलना चाहते हैं। हम इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आपने बताया कि आपका भी भांजा यहां पर है, आप लोग मिलना चाहते हैं, आप लोगों को मिलने की इजाज़त दी या नहीं? हम अंदर गए तो हमारे को अंदर नहीं जाने दिया गया कि हमने दीवाने SHO साहब से हमने बात करना चाहिए तो हमारे को मिलने नहीं दिया गया, गेट के अंदर एंट्री नहीं करने दी। कितना बड़ा है आपका भांजा? मेरा भांजा करीब 19 साल का है बच्चा, और ये स्टूडेंट दरियागंज में रहता है? नहीं, सीलमपुर में रहते हैं। हम तो अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे और हमारी पुलिस से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी जो आवाज़ है वो ऐसे दबेगी नहीं, ये पुलिस को जैसा आदेश मिल रहा है ऊपर से, पुलिस वैसा काम कर रही है, बाकी हमारी आवाज़ दबेगी नहीं। हम अपने हक के लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे, ये चाहे हमारे तरफ कितना भी जुल्म कर ले। हालांकि ट्रैफिक सामान्य है, सारी चीजें सही है, लेकिन हम आएंगे आपके पास और जानकारी लेंगे। लेकिन ये तस्वीरें भी गवाह है। एक तरफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात तो की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं वो कुछ और बयां कर रही है। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।